चलिए अब बात दतिया की। दतिया में फाग महोत्सव के दूसरे दिन बॉलीवुड सिंगर ममता शर्मा ने प्रस्तुति दी। फाग महोत्सव में ममता शर्मा ने अपनी आवाज का जादू बिखेर दिया। उन्हें देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। महोत्सव में बॉलीवुड ममता शर्मा ने अपनी सुरीली आवाज से ऐसा समा बांधा कि लोग उनके गीतों पर नाचते हुए दिखाई दिए। INX 24/7 से खास बातचीत में सिंगर ममता शर्मा ने अपने विचार साझा किए। बॉलीवुड की प्रसिद्ध गायिका ममता शर्मा आज दतिया पहुंची हुई है और दतिया कार्यक्रम में हिस्सा ले रही है। दतिया वासियों को सुप्रसिद्ध अपने गानों से गाना सुनाएंगे। आज हमारे साथ मौजूद है ममता शर्मा, हम उनसे बात करेंगे। किस प्रकार का आपका सफर रहा बॉलीवुड? बहुत अच्छा और आप सबके समक्ष ही है, आप देख रहे हैं मुझे सारा मेरा सारा जर्नी आप लोगों के सामने। काफी बॉलीवुड में आपने बड़े नायकों के साथ काम किया है, साथ ही कैसा अनुभव है सलमान खान के साथ भी आपका, कैसा व्यक्तिगत रूप से नेचर क्या है? दबंग टू में मैंने सलमान सर के संग कैसे बनी ये गीत था जो मेरे और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि उन्होंने मुझे इस लाइक समझा। अरबाज सर ने मुझे कॉन्टैक्ट किया था तो वेरी थैंकफुल टू देम। और सारे म्यूजिक डायरेक्टर से बहुत ही अच्छा कॉन्टैक्ट है, सबका आशीर्वाद है, लोगों का प्यार है मेरे गानों को। पहले के जमाने के गानों में और इस जमाने के गानों में क्या फर्क है? दोनों जमाने में हिट और फ्लॉप आए हैं, मुझे लगता है इस जमाने में भी है। पहले अभी मैं ये यूथ है जो कितना क्या समझ रहा हूं, मैंने अभी कहा था कि हम संदेश देते नहीं, हम सबका स्ट्रेस निकालते हैं, बट फिर भी जो कलाकार बनना चाहते हैं उनके लिए ये है कि अपनी ओरिजिनलिटी ना अपने आप पे यकीन रखें, किसी को कॉपी ना करें, बट डेफिनेटली अपने आइडल्स रखें। हमारे साथ अभी ममता शर्मा थी, हमने उनसे बात की और निश्चित तौर पर आज दतिया महोत्सव में वो अपनी प्रस्तुति देंगी और दतिया की जनता को निश्चित तौर पर ही झूमने पर मजबूर कर देंगे। राजीव मिश्रा, INX न्यूज दतिया।